बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है सर, खैरियत है। तो बेटा आज फिजिक्स 12 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 2 लेक्चर 4 पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से एकदम नोट्स वोट्स बनाते रहिए, सब एक एक चीज बिल्कुल बढ़िया से क्लियर करेंगे, एक एक कंसेप्ट, है ना। तो बेटा हमारा जो लेक्चर 3 था जिसमें हमने देखा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट ये लिया मैंने, ठीक है। और एक लिखा मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डीवी अपॉन डीआर, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, जहां पर मैंने जिसके बेस पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यही इन्हीं पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा अब यहां सबसे पहले मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ई इंटू डी आर माइनस डी, ठीक है। बेटा यहां जो मल्टीप्लाई होगा, भाई एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, वेक्टर लगा देता हूं, यहां तो वैल्यू लिखी गई है, डी आर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डॉट प्रोडक्ट इसलिए लगाना होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए मैं डॉट चिपका दूंगा। तो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास बन जाता है। जैसे अगर बच्चों मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कॉम्पोनेंट फॉर्म में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स इस तरीके से लिखे गए, ठीक है। तो इनको भी बेटा मैं यहां पर रिलेट कर सकता हूं इस फॉर्मूला से। तो ये ध्यान रखिए, जो ई एक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो ई ई एक्स वेक्टर अगर मुझे ये लिखना है, ठीक है, तो माइनस साइन लगाना होगा। तो यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ई एक्स लिख रहा हूं मैं, ई एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूं, क्योंकि ये वेक्टर है तो आई कैप लगा दिया जाता है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का बच्चों मतलब रहता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये है जैसे एक्स वाई एंड जेड, अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लूंगा, वाई और जेड को क्या मान लूंगा, कांस्टेंट मान लूंगा। अगर मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी फंक्शन एफ है, ये फंक्शन किसका है, एक्स वाई जेड तीनों का है, अगर मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ऐसे साइन बनाते हैं इसकी ये, तो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई और जेड कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, वाई और जेड कांस्टेंट माने जाएंगे। अगर मैं इसका, इस फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ई एक्स बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, माइनस आगे चिपका देंगे तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों ई वाई क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप, ऐसे ही ई जेड कंपोनेंट लिख सकता हूं माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू जेड के कैप, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए ना। उनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, हालांकि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे मैं पहले क्वेश्चन इंडिकेट कर चुका हूं आपको, न्यूमेरिकल्स जो थे। अब बेटा यहां पर हम देखते हैं, जैसे मान लो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें दे रखा है 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप, इतने न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, ठीक है। जिस रीजन में दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग और एक्टिंग, वहां दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का पोजीशन वेक्टर एंड या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन द टू पॉइंट्स इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमें गिवन है. ये बेटा हमें क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, dr वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. ये मीटर में हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है. कह रहा है इस रीजन के अंदर जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स. इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो यहां पे बेटा डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को यूज कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए इसका आंसर. अब डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए किसका लेना है डॉट प्रोडक्ट, ई डॉट डी आर. तो बेटा ई वेक्टर ये हमारे पास क्या है, टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, ये हमारे पास है. ठीक है, डी आर वेक्टर मैंने ये लिख लिया, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. बेटा यहां पे आई कैप जे कैप के कैप वन अंडरस्टूड होता है, जनरली लिखा नहीं जाता है, वन अंडरस्टूड है. जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, एक मिनट में देख लूं कि भी नीचे से लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ ठीक है, आ रहा है. बेटा अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट लें, अब ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ई डॉट डी आर ले. ई डॉट डी आर की जरूरत पड़ रही है किसके बराबर है, माइनस डी वी के बराबर है, या माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी. तो पहले ई डॉट डी आर ले लेते हैं डायरेक्ट. बेटा आई कैप ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि आई कैप जे कैप जीरो हो जाएगा, आई कैप के कैप डॉट में जीरो हो जाएगा, जे आई के साथ जीरो, के साथ जीरो, के आई और जे के साथ जीरो हो जाएगा. तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा, टू इंटू विद साइन मल्टीप्लीकेशन होगा, टू ये हो गया, वन एंड टू ये भी टू हो गया, आई कैप डॉट आई कैप वन, जे कैप डॉट जे कैप ये वन हो गया. ठीक है, विद साइन मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस वन एंड माइनस वन माइनस वन, के डॉट के कैप वन हो गया, फोर माइनस वन ये कितना आ गया, थ्री, ये थ्री आ गया. तो बेटा अब यहां पे मेरे पास जो डीवी है माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर का वैल्यू क्या है मेरे पास, थ्री, तो माइनस थ्री वोल्ट. तो ऐसे बेटा इस फॉर्मूले को यानी ये फॉर्मूला लगा के हम ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में या आईआईटी मेंस के अंदर दे देंगे, बोर्ड में भी दे सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लगा देते हैं सीबीएसई में. आसान क्वेश्चन है. अब देखो जैसे हमें दे रखा है, इफ अ पोटेंशियल इन अ रीजन इज, एक रीजन में पोटेंशियल हमें 2x 3y माइनस z इतने बच्चों वोल्ट दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस z वोल्ट ये पोटेंशियल दे रखा है. तो बेटा पूछा जा रहा है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताइए, देन फाइंड और फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दिस रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताइए. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर उसे बाद में वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे. जैसे अभी हमने देखा कंपोनेंट फॉर्म में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, तो सबसे पहले ई एक्स, ई एक्स वेक्टर माइनस, अब बेटा यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है मुझे पोटेंशियल का एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वेक्टर लगा रहा हूं मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, आई कैप लगा देंगे. ठीक है,
अब बेटा यहां पर लगाइए। अब देखो मैंने कहा पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बाकी पैरामीटर y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूंगा यानी 2x, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई क्या मैंने क्यों नहीं लिखे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। बेटा अब यहां पे 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो माइनस 2, फिर x का x के रेस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, ये हो गया आई कैप, तो माइनस 2 आई कैप, ये x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बन गया। नाउ बेटा y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ई वाई माइनस डी वी अपॉन, बार बार d निकलता है वो, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, और ये क्या लगा देंगे, j कैप लगा देंगे। तो बेटा अब यहां पे j के रेस्पेक्ट में यानी जो y है ये कौन सा कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया, बाकी x और z कांस्टेंट हो गए, तो माइनस डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, 3y का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो कितना बचेगा मेरे पास, लिख देता हूं चलो 3y और बाकी तो कांस्टेंट पैरामीटर है, तो बेटा ये हो गया माइनस 3 j कैप, ex हो गया, ey हो गया, ez यहां कर लीजिए, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू z, और ये क्या आ गया k कैप। बेटा अब यहां पे जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे x और y कांस्टेंट हो गए, मत लिखिए माइनस 1 माइनस z, यानी कि ये मेरे पास आ गया, ये क्या आ गया बेटा माइनस z k कैप। अब सबसे पहले माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और z का z के रेस्पेक्ट में 1, तो ये मेरे पास आ गया प्लस 1 k कैप, इतना हो गया, ठीक है। बस बेटा अब यहां फाइनली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, तो ex i कैप, ey j कैप, ez k, तो बेटा ex कंपोनेंट कितना है माइनस, अब ये कितना आ रहा है मेरे पास माइनस 2 i कैप, ey ये वाला कंपोनेंट क्या है मेरे पास, वेक्टर ey कितना है माइनस 3 j कैप, और ez वेक्टर कंपोनेंट कितना है प्लस k कैप, ये आ गया। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बन गई, ठीक है। नाउ और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो जैसे बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको लगा लेंगे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन एंड इक्यू डिस्टेंट पैरेलल लाइंस सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यहां बेटा मेरे पास मान लो एक ऐसा प्लेन है बेटा जो इसके वर्टिकल प्लेन रख दिया मैंने, मैंने क्या किया एक वर्टिकल प्लेन रख दिया, मैं ऐसे बना देता हूं यू करके रख दिया बेटा मैंने एक वर्टिकल प्लेन ऐसे करके, ये वर्टिकल प्लेन रख दिया। जब भी वर्टिकल प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाना होता है ना, तो हम एक लाइन डॉटेड लाइन खींच देते हैं, तो मैं अभी हाल फिलहाल तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, जहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और इसे चलाया बी पॉइंट तक, कहां लेकर आए बी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक लेकर आए, इसे बी तक लेकर आ रहे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन तो हमें पता ही है, वर्क डन क्या होगा, यानी अगर मैं यहां से इसको चलाता हूं, बेसिकली बेटा हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मेरे को ये सिचुएशन दे रखी है, इफ क्यू चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम, क्यू चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन बिटवीन ए एंड बी। बेटा ए और बी के बीच में आपको when you will move the charge from A to B, you have to find the potential difference and work done between A and B, ठीक है। तो बेटा यहां से
अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर रही है, आपको मालूम ही है प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अलोंग चलाती है, अपने अलोंग बेटा ये चलाएगी, यानी फोर्स ये लगेगा। अब फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, अब फोर्स ये लगा और इसको इसका मूवमेंट कहां पर हो रहा है, यानी ए टू बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है। तो बेटा दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, या एंगल कितना बना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो बेटा वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर या एफ डी कॉस थीटा। अब यहां पे थीटा कितनी बन रही है, डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में है, यानी डिस्प्लेसमेंट चाहे तो हम लिख दें फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में ये लिख दिया मैंने। और बेटा कॉस थीटा कितना है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, 90 डिग्री, ये कितना हो गया 0 हो गया। ये वर्क डन यानी ए से बी तक लाने में किया गया वर्क डन 0 हो गया। बेटा वर्क डन 0 है। अब वर्क डन को हम दूसरे फॉर्म में देखते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में वर्क डन कैसे लिखा जाएगा। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में हम वर्क डन लिखते हैं, यानी ए से बी तक चलाने में किया गया वर्क डन अपॉन चार्ज टेकन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ए टू बी चल रहे हैं तो फाइनल पॉइंट वी बी हो गया माइनस ए। अब देखो यही देखो आप यहां पे ए टू बी किया गया वर्क डन डब्ल्यू, डब्ल्यू लिखा था मैंने और ये 0 के बराबर, ये 0 है। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। या बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं वी बी इज इक्वल टू वी ए। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है कि भाई इसी को अगर मैं ऐसे बना दूं यहां पर, अब देखो यहां जो वर्टिकल प्लेन है इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, और ये पॉइंट ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास राइट हैंड के टुवर्ड काम कर रही है और एक पॉजिटिव चार्ज क्यू ये रखा है विच इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक चलेगा, है ना। तो बेटा ध्यान रखिए हमेशा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है इसके हर पॉइंट का दो पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल आइडेंटिकल होगा, सेम पोटेंशियल पर है ए और बी, सेम पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो एक तरीके से बेटा ये जो ऐसे सरफेस होते हैं आगे हम पढ़ाएंगे जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगला पॉइंट हम इन क्वेश्चंस के बाद यही रखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना बेटा। अब आगे बढ़ते इसी कंसेप्ट पे बेस्ड बोर्ड में लगातार बेटा 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते रहे हैं, 2-3 साल बाद क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है इस पर, बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है, ये बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, इसकी वैल्यू जो है यानी ई इज इक्वल टू ये हमें दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। अब यहां पर कुछ यानी 3 पॉइंट मार्क किए गए हैं, ये मेरे पास है 4 मीटर डिस्टेंस, ये 3 मीटर डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट मार्क कर दिया गया और ये पॉइंट सी मार्क कर दिया। ऐसी सिचुएशन आपको डायग्राम गिवन होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपसे 3 पार्ट पूछेगा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड का बेटा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन रहे, कभी कुछ कर देता है कभी कुछ कर देता है वैल्यू डिस्टेंसेस की, ठीक है। अब पूछता क्या है कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी सी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी एस शोन, यानी ये पॉइंट आपको दिखा दिए गए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। तो बेटा आपको फाइंड करना है किसके किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन. नंबर वन बेटा आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए एंड बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में. नंबर टू ए और सी पॉइंट के बीच में, ए और सी पॉइंट के बीच में. ठीक है, आपको निकालना है ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, और सी और बी के बीच में, सी एंड बी के बीच में, सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, पॉज करके कर सकते हैं इसे. अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं. बेटा सबसे पहले तो यही मेरे पास ए और बी, ए और बी यानी ये 90 डिग्री और मार्क कर लीजिए. तो बेटा यहां पे जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. तो पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया कि भाई वी ए और वी बी कैसे होंगे, सेम होंगे. यानी जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन इन द टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, आइडेंटिकल होगा. ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था. तो बेटा यहां पे वी ए और वी बी बराबर हो गए. अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और वी ए माइनस वी बी, वी बी को उधर ले जाइए, इट बिकम्स जीरो, ये जीरो हो गया. ठीक है, अब करते हैं बेटा ए और सी, यानी ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी सी, मुझे ये निकालना है वी ए एंड सी. ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी सी. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है. तो बेटा वी ए माइनस वी सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चल रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ई इज इक्वल टू, अब चूंकि मान लो कि भाई एक्स हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस मान लो इसको. ठीक है, या माइनस डीवी अपॉन डी आर लगा दो, कोई मैटर नहीं है, या डी एक्स लगा दो, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स. अब बेटा हम कहां चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चल रहे हैं. जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलेंगे, ठीक है, यहां से यहां पर चलेंगे तो बेटा माइनस, अब देखिए अब यहां हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है डीवी और डी एक्स. यहां से यहां तक की दूरी क्या है बच्चों, ये दूरी मेरे पास 4 है, ये 4 आ गई. ठीक है, अब बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन ही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टेन इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन 4, तो डीवी बिकम्स माइनस 40, इतने वोल्ट हो गया, माइनस 40 वोल्ट के बराबर हो गया. अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि भाई ए इज एट हायर पोटेंशियल, सी इज एट लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल घटता जाता है, नेगेटिव साइन इसी बात को इंडिकेट कर रहा है. बेटा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हम आगे जाते जाएंगे, पोटेंशियल घटता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. तो इसका मतलब वी ए इज एट हायर पोटेंशियल. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है यहां पर, तो एक तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ रहा है वी सी माइनस वी ए को बता रहा है, मुझे निकालना है वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी निकालना है. ठीक है, तो वी ए हायर पोटेंशियल पर होगा, यहां पर क्या कर दीजिए, प्लस 40 वोल्ट कर दीजिए, क्या हो गया, ए हायर पोटेंशियल पर है, सी लोअर पोटेंशियल पर है. ठीक है, ये डीवी बेसिकली आ रहा है, मैं चाहूं तो उसको बेटा लिख सकता हूं ऐसे कि भाई डीवी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपके पास वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू प्लस 40 वोल्ट. नाउ थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट पे आते हैं. भाई तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. क्या निकालना है, वी सी माइनस वी बी निकालना है. बेटा बी और ए इनके पोटेंशियल कैसे हैं, पहले पार्ट में आइडेंटिकल, तो मैं क्या करता हूं वी सी माइनस वी बी की जगह वी ए लिख देता हूं, ये लिख दिया वी सी माइनस वी ए. अब वी सी माइनस वी ए कितना है मेरे पास, यानी इट इज माइनस 40 वोल्ट, तो ये चिपका दो, तो माइनस 40 वोल्ट VC माइनस VB आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हैं इसको. चलिए अब दूसरा प्रश्न क्वेश्चन लगाते हैं. अब बच्चों जैसे मुझे दे रखा है एक ग्राफ दे रखा है, V वोल्ट में है और R
मीटर में है, ठीक है। ये बेटा मेरे पास ग्राफ है, ये टू फोर सिक्स मीटर और इट इज 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। अब बेटा मैं यहां से आपको निकालना है कि भाई ये ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड आर इज गिवन, स्पेस में पोटेंशियल आर के साथ जो वेरी कर रहा है उसका ग्राफ आपको गिवन है। तो कह रहा है फाइंड आउट, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फॉर नंबर वन जो आर है ये जीरो के बराबर, यानी जीरो के बराबर या जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक चल रहा है, टू के बराबर और टू से कम, फिर टू से फोर ये बीच वाले रीजन के लिए, ठीक है, ये फोर और तीसरा यानी फोर टू सिक्स मीटर मीटर और मीटर। तो बेटा हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन इन जगहों पर, फॉर यानी आर की वैल्यू जीरो जीरो टू टू होना चाहिए इस रीजन में, सेकंड पार्ट के लिए आर की वैल्यू टू से फोर होना चाहिए इस रीजन में, फिर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे फोर टू सिक्स इस रीजन में निकालना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं ऐसे बारी बारी से बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जानते ही हो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये होता है बेटा V और R के बीच जो भी ग्राफ होगा उसकी जो स्लोप होगी वो डी वी अपॉन डी आर होगी। भाई जो भी ग्राफ होता है जैसे V और R के बीच में जो वर्टिकल पैरामीटर V है, हॉरिजॉन्टल पैरामीटर R, इनके बीच जो ग्राफ बनेगा उसकी स्लोप क्या होगी, वर्टिकल पैरामीटर में चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल पैरामीटर में चेंज, यानी तो dv अपॉन dr ये ग्राफ के स्लोप को इंडिकेट करेगा। अब जो स्लोप निकले उसका नेगेटिव कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो बस मुझे करना क्या है, पहले मुझे यहां पे यहां तक स्लोप निकालना है, ठीक है। तो इसका मैं स्लोप निकालता हूं, स्लोप इज इक्वल टू, भाई स्लोप इज इक्वल टू यानी डीवी अपॉन डी आर ये स्लोप होगा। अब बेटा डीवी अपॉन डी आर यहां से यहां तक गए तो जीरो से 10 वोल्ट हो गया, तो फाइनल 10 वोल्ट माइनस इनिशियल 0 वोल्ट, डिस्टेंस यानी 2 माइनस 0 ये कितना आ गया 10 अपॉन 2, इट इज 5 वोल्ट पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द स्लोप, मैं यहां लिख सकता हूं माइनस ऑफ स्लोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस रीजन में हो गई पहले पार्ट में, उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 5 वोल्ट पर मीटर। अब सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में सोचिए, सेकंड पार्ट में बेटा स्लोप इज जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो स्लोप क्या है बेटा सेकंड पार्ट में, डीवी अपॉन डी आर ये जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो गई जीरो बनी। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट यहां कर देते हैं, तीसरा पार्ट ये कर देते, ठीक है बेटा। आप इस रीजन में आ जाओ, ये स्लोप नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्लोप निकालते, ठीक है। तो स्लोप निकाला बेटा, उसका नेगेटिव कर दूं मैं स्लोप का, तो माइनस स्लोप, अब स्लोप डीवी अपॉन डी आर, टेन से चल रहे, टेन से चल रहे कहां पर आ रहे हैं जीरो पर आ रहे, 10 वोल्ट से 0 पर आ गए, तो 0 माइनस 10, ठीक है। अब बेटा यहां पे 4 टू 6 जा रहे हैं, 6 माइनस 4, तो बस ये मेरे पास, मैं यहां से बस सॉल्व करिए इसको, तो माइनस 10 ओवर 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 वोल्ट पर मीटर, तो इट इज प्लस 5 वोल्ट पर मीटर। तो ऐसे करके निकाला जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। Now, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है
और उसको ये दो नंबर तीन नंबर के अंदर पूछा जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन ना कई जगह पूछा जाता है, कई जगह का सेंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पूछा जाएगा। डी ब्रॉयली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी होगी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, वहां पे भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। हालांकि हर जगह क्वेश्चन रेफरेंस अलग अलग है, क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। तो बेटा यहां पर जैसे हमसे कहा जा रहा है, मेन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज क्यू इंटू वी। क्यू चार्ज पार्टिकल का चार्ज हो गया, वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब बेटा हमें दे रखा है अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। भाई को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट किया गया है, ठीक है। यानी इसको वैल्यू मत ना लगाओ, कोई वो मैटर नहीं है, वो तो हम वहां क्वेश्चन जब हल करेंगे सॉल्व करेंगे वहां लगा देंगे। तो बेटा अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जीज, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, पूरा कर लो इसे, ऑफ देयर नंबर वन काइनेटिक एनर्जी, नंबर टू लीनियर मोमेंटा और नंबर थ्री वेलोसिटी। यानी इन चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उनका रेशियो क्या होगा। बेटा जो पहला दूसरा पार्ट है ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रेफरेंस, इनका रेफरेंस आएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, इनके कुछ पैरामीटर्स आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। ऐसे ही जब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप बात करेंगे डी ब्रॉयली तो जिक्र यही रहेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, तो कुछ पैरामीटर जो यहां यूज होंगे वहां पर भी लिखने होंगे। तो बेटा ऐसे कौन से पैरामीटर है, पहले हम उनको लिख देते हैं। जैसे मेरे पास आ गया, एक तो मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन की, एक बात कर रहा हूं मैं न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। बेटा तीन चार्ज पार्टिकल ले लिए मैंने, कौन कौन, एक प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया और एक मेरे पास अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो बात कर ले बेटा जैसे पहले मास की बात कर ले और चार्ज लिख दे, ये ना ये सब चीजें मास और चार्ज आपकी जो कॉपी उसके फ्रंट पेज पे लिख देना, कई जगह यूज होगा ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए इनका कंपैरेटिव मास और चार्ज क्या लिखा जाता है। जैसे प्रोटॉन है प्लस ई चार्ज है, न्यूट्रॉन इस पर भी प्लस ई चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल इस पर प्लस टू ई चार्ज होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर प्रोटॉन का मास एम मान लिया जाए तो न्यूट्रॉन का मास टू एम होगा और अल्फा पार्टिकल का मास फोर एम होता है। ये कंपैरेटिव है, आपस में कंपैरेटिव वैल्यूज दे रखे हैं कि है ना कि भाई चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई, न्यूट्रॉन प्लस ई और अल्फा पार्टिकल प्लस टू ई। बेटा प्रोटॉन एक तरीके से वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन प्रोटियम, उसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन हो गया। ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन होता है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। आंसर काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख रहे हो, क्यू वी। अब देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो वी तो सेम हो गया तीनों के लिए, बस जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यानी फर्स्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। बेटा अब यहां पे चार्ज क्या लेना पड़ेगा मुझे, चार्ज ऑन प्रोटॉन वी, रेशियो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन वी, रेशियो चार्ज ऑन अल्फा वी। अब देखो वी तो वी यहां से हटा दीजिए, ये हटा दीजिए वी, अब बस चार्ज का रेशियो आ रहा है, चार्ज मैंने लिखे ये प्रोटॉन का चार्ज ई,
ये e हो गया और ये 2e हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो रेशियो बना 1:1:2 देख लो इतना नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है आ रहा है। तो बेटा अब यहाँ पे 1:1:2 मेरे पास आ गया। नाउ नंबर 2, अब देखो ये कह रहा है लीनियर मोमेंटम। भाई लीनियर मोमेंटम जो होता है, जो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल है p = mv। अच्छा यहां ध्यान रखिए, जो लीनियर मोमेंटम है सिंगल पार्टिकल के लिए, 3 पार्टिकल है ना, तो प्लूरल फॉर्म लीनियर मोमेंटम यूज किया जा रहा है। तो p = mv, ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, अब बेटा मैं प्रोटॉन के लिए लीनियर मोमेंटम mv, पहले एक काम कर लीजिएगा, यहां पे जैसे mv लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv². ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख रहा हूं मैं, अब वेलोसिटी वो भी ऐसे लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे बना लीजिए इसको, स्मॉल वी स्मॉल लेटर में बना लीजिए इसको। तो p = mv, k = m, यानी ये v क्या है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर v क्या है, स्मॉल v, वेलोसिटी। बेटा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² अपनी तरफ से m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा ये हो गया m² v² / 2m, एंड m² v² आई कैन राइट p² 2m। बेटा mv = p, m² v² p² हो गया, तो इट इज काइनेटिक एनर्जी k। तो हेंस लीनियर मोमेंटम square = 2mk। बेटा अगर मैं यहां पर लीनियर मोमेंटम लिखूं खाली तो √2mk। ये बेसिक फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आ गया कि भाई लीनियर मोमेंटम चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, √2mk। ठीक है, अब बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, काइनेटिक एनर्जी क्या है qv, इसको फिट कर दो यहां पे, तो p = 2mqv। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, इसका रेशियो निकालना है तीनों चार्ज पार्टिकल के लिए। है क्वेश्चन बढ़िया एकदम। बेटा अब यहां पे p प्रोटॉन, p न्यूट्रॉन और p अल्फा। अब देखो यहां पे जो सेम चीजें हैं, जो कांस्टेंट है उनको तो लिखो ही मत, जैसे 2 और v, ये तो कांस्टेंट है तीनों के लिए, मत लिखिए। ठीक है, सिर्फ रेशियो लिखिए m, ये किसका, यानी प्रोटॉन का मास, चार्ज ऑन प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन का मास, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, फिर से रेशियो √, यानी अब किसका मास, अल्फा का, चार्ज ऑन अल्फा। बस बेटा अब यहां पे वैल्यूज प्लेस करो, देखो यहां से वैल्यू लगाओ, तो m मास ऑफ प्रोटॉन m है सिंपली, चार्ज e हो गया। बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन 2m, चार्ज e के बराबर है, 2me √ में आ गया ना। अब देखो यहां पर मास कितना है, 4m ये है, और ये कितना है 2e। अब थ्रू आउट द रेशियो जो है क्या क्या जा रहा है, me, तो बेटा यहां पे क्या बचा, 1/√2, और यहां क्या आ गया, √8 या 2/√2, इट इज द रेशियो, ये रेशियो हो गया। ठीक है, अब जैसे मुझे काइनेटिक क्या निकालना है, अब यहां पे वेलोसिटी, अब वेलोसिटी हम डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई अब देखो यहां पे मुझे क्या निकालना है, इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। बेटा काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी ये होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास, 1/2 mv² हो गया। ठीक है, नाउ अब काइनेटिक एनर्जी ये आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं k = 1/2 mv² = kqv, ये हो गया। अब बेटा यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर क्या बना, 2qv/m, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो वेलोसिटी ये आ गया। अब देखो यहां पे 2 और v ये कांस्टेंट है, तो q/m का रेशियो चलेगा। अब देखो वेलोसिटी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, फिर वेलोसिटी न्यूट्रॉन के लिए, फिर वेलोसिटी अल्फा के लिए, = अब √, यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन qp, मास ऑफ प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का मास, फिर अल्फा का,
चार्ज और मास अल्फा का, ठीक है। तो बस बेटा यहां पर अब देखो Q को क्या लिख सकता हूं मैं प्रोटॉन का, ये E अपॉन एम। न्यूट्रॉन के लिए इन दोनों को क्या लिख सकते हैं E अपॉन टू एम। और यहां बेटा क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्या था हमारे पास 2E और मास कितना था, मास 4m। ये हो गया। अब देखो em ये चला गया तो मेरे पास क्या आ गया रेशियो निकल के, भाई जो रेशियो निकल के आ रहा है क्या हो गया, इट इज 1:2। ये तो 1 हो गया, ये अपॉन में 1/√2, ठीक है। और ये भी क्या आ गया, 1/√2, या तो ये लिख दीजिए या रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2:1:1। तो ये वेलोसिटी का रेशियो आ गया। भाई वेलोसिटी का रेशियो, प्रोटॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, भाई मास हल्का है तो ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सारे एस्पेक्ट उसके अंदर ले लिए हैं। तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है।